राहुल गांधी का ये दिया बयान विवाद बढ़ाने वाला है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलने निकले राहुल गांधी ने प्रदेश के युवाओं को शराबी बता दिया, जिस पर स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन जब भी बोलते हैं कमाल बोलते हैं। आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और पार्टी टूट रही है। अपनी यात्रा को लेकर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, वही उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। कहां तो सोचा था इस बार ऐसी यात्रा करेंगे कि पूरा प्रदेश कांग्रेस में हो जाएगा, ऐसा भाषण देंगे कि बस सुनने वाले सुनते रह जाएंगे। लेकिन केंद्र की सत्ता की सीढ़ी वाले प्रदेश में ये क्या बोल गए राहुल गांधी। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं दक्षिण भारत में, वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस के सांसद कितने हैं सबको पता है। प्रदेश में पार्टी को दहाई के आंकड़े को छुए एक दशक बीत चुका है। राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर आए थे वोटरों को संदेश देने, लेकिन युवाओं को शराबी बताकर एक नई मुसीबत मोल ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश उनकी यात्रा पहुंची है, और इस दौरान उनके इस एक बयान के बाद एक विवाद खड़ा हो गया है। इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। यूपी का भविष्य शराब पीकर नाच रहा है, ये कहा राहुल गांधी ने, जैसा कि आपने सुना। वाराणसी में शराब पिए लेटे युवा देखे हैं, राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि वाराणसी में शराब पिए युवाओं को उन्होंने लेटे हुए देखा है, और साथ ही नशे में डांस कर रहे थे युवा, ये बात कही है। और उस पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल ने यूपी की जनता का अपमान किया है, ये कहकर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है और कहा कि राहुल गांधी ने इससे पहले वायनाड जाकर भी यूपी की बुराई की थी। और इस तरह राहुल गांधी के इस एक बयान के बाद यहां पर वार पलटवार तेज हो गया है, और स्मृति ईरानी ने उन पर हमला बोला है कि राहुल गांधी पहली बार नहीं है जब यूपी की बुराई कर रहे हो, उससे पहले भी वो वायनाड जाकर यूपी के खिलाफ बयान दे चुके हैं, यूपी की बुराई कर चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं राज्यसभा की। जी हां, मध्य प्रदेश में बिना चुनाव के पांचों उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं हुआ, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने पांचों प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बीजेपी के चार और कांग्रेस का एक उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, बंसीलाल गुर्जर, माया नरोलिया और उमेश नाथ महाराज का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वहीं कांग्रेस के अशोक सिंह भी चुन लिए गए। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका विजन के 2047 में ये विकसित भारत बनने के लिए, इस विजन के साथ हम आगे करने के लिए, ये इस विजन का आज एक आगे लेके जाने के लिए भी एक बड़ा मौका मिला। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने राज्यसभा का रास्ता साफ होने के बाद खुशी जताई। वहीं पहली बार राज्यसभा जा रहे बंसीलाल गुर्जर और माया नारोलिया ने भी पार्टी का धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमको महती जिम्मेदारी दी है
और निश्चित ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के लिए जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, उस व्यक्ति को समाज में बराबर के दर्जे पर लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, उन कामों के बहुत ही बेहतर परिणाम हमको देश में देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार कर रही है, हम महिलाओं के आगे उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके मार्गदर्शन में महिलाओं को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं लाखों की संख्या में स्वयं तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं, उन्होंने दूसरों को भी रोजगार देकर ये सिद्ध कर दिया है कि एक तरफ मध्य प्रदेश से बीजेपी के चारों राज्यसभा सांसद चुने गए, वहीं कांग्रेस के एक उम्मीदवार अशोक सिंह भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। कमलनाथ को लेकर चले सियासी खींचतान के बीच अशोक सिंह का चुनाव पार्टी के लिए बड़ी राहत है। शैलेंद्र सिंह चौहान, न्यूज 18, भोपाल। कमलनाथ को लेकर जारी सियासी सस्पेंस अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हुई बैठक में कमलनाथ के वर्चुअली शामिल होने के साथ की चार दिनों तक चले सियासी ड्रामे का पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। इससे पहले सांकेतिक भाषा में सियासी संदेश का जो आदान प्रदान हुआ, उसने पार्टी और कमलनाथ के बीच सीज फायर में अहम भूमिका निभाई। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में होने वाली यात्रा को लेकर भोपाल में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कमलनाथ वर्चुअली जुड़े। इसी के साथ ही कमलनाथ को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक चला सियासी सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है। कांग्रेस और कमलनाथ के बीच चली अंदरूनी खींचतान में जो सीज फायर नजर आ रहा है, उसके लिए पार्टी की नरमी और सख्ती की नीति कारगर साबित हुई। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के चुनाव लड़ने का बयान देकर नरमी का संकेत दिया। माननीय कमलनाथ जी हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का उनका रहा है। आज से नहीं, पिछले 40 साल से संजय गांधी जी के समय से वो कांग्रेस को झंडा उठाते हुए कांग्रेस की लड़ाई, देश की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, तो हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं। एक तरफ पार्टी ने कहा कि नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे, लगे हाथ सख्ती दिखाते हुए जितेंद्र सिंह ने बागियों को संदेश भी दिया कि जिसको जहां जाना है जा सकता है, पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जो अपने घर को, अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस के नाम पर उनने वोट लिए हैं, कांग्रेस के पार्टी के पर उनने चुनाव लड़ा है, वो एक बहुत बड़ा दगा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे कोई एमएलए हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी लोग जाना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए के लड़ाई से वो घबरा गए हैं, तो वो जा सकते हैं। इससे पहले कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच भोपाल में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, जिसमें विधायकों के शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खुशी जाहिर की। इसी दौरान कमलनाथ के दिल्ली स्थित घर पर जय श्री राम का झंडा लगता और उतरता रहा, जिससे उनका सियासी संकेत माना गया। वहीं एमपी में कांग्रेस के प्रदर्शन के बैनर पोस्टर से कमलनाथ की तस्वीर हटाकर पार्टी ने भी एक संकेत दिया और आखिरकार अब प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नजर आने लगा है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18, भोपाल। जैसे ही कमलनाथ कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए, पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज हो गई। कल तक जो नेता कुछ भी कहने से बच रहे थे, अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी अब राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता कुछ भी कर ले, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हुई बैठक में कमलनाथ के जुड़ने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। विवाद की बात पीछे छूट गई है, पार्टी को अब आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नजर आ रही है। एक दिन पहले तक लड़खड़ा रही जुबान अब आत्मविश्वास से लबरेज है। 2 मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ इसको लेकर सारे सीनियर नेता, जिसमें आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह।
कमलनाथ भले ही बैठक में वर्चुअली जुड़े, लेकिन पार्टी कह रही है जो हुआ वो पीछे छूट चुका है, आगे लोकसभा की लड़ाई है जिसे हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से बदलाव की बयार जरूर बहेगी। मीटिंग के अंदर कमलनाथ जी रूम द्वारे उन्होंने अटेंड करी मीटिंग, उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह जी, दिलीप पचौरी जी और भी हमारे वरिष्ठ नेता है विवेक तन्खा साहब, उन्होंने मीटिंग अटेंड करी है, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं उसके तहत आज पूरा कार्यक्रम बन चुका है। कल तक कमलनाथ का नाम लेने में लड़खड़ा रही जुबान अब बीजेपी पर तंज कस रही है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कमलनाथ का मसाला ना मीडिया को मिलेगा और ना बीजेपी को। कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है, अपनी संभावनाएं दी है, तो मैं मानता हूं कि अब मीडिया वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए वो मसाला ढूंढे। जैसे ही कमलनाथ का किस्सा थमा, पार्टी लोकसभा की लड़ाई की बात करने लगी। दूसरी तरफ सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की याद दिला रही है। पार्टी कह रही है कांग्रेस कुछ भी कर ले उसकी हालत पतली है, एमपी की सभी लोकसभा सीटें हम ही जीतेंगे। भारत जोड़ने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कर दिया था, 550 से ज्यादा रियासतों का विलीनीकरण करके इस देश को एक भारत बनाया। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस नारे को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये तो अब कांग्रेस जोड़ने की बात सोचे, उस तरफ जाए, निश्चित रूप से कांग्रेस की हालत और पतली होती जा रही है, पतली हालत और उसमें भी मुझे लगता है उनको और खराब अवस्था और हो गई है। एक हफ्ते तक कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर जारी सस्पेंस खत्म होने को है। पार्टी का पूरा ध्यान अब राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति और अपनी तैयारी का हवाला देकर बीजेपी 29 सीटों से कुछ भी कम पर मानने को तैयार नहीं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को आईआईटी की सौगात दी। पीएम ने आईआईटी के भिलाई परिसर का शुभारंभ किया। इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी भिलाई के परिसर का वर्चुअल शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 14 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। आईआईटी भिलाई का परिसर देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और 400 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण कार्य करीब 4 साल पहले 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। इसके अलावा कवर्धा और कुरूद में केंद्रीय विद्यालय के नव निर्मित भवन का भी लोकार्पण किया गया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का प्रण लिया है, इसके लिए छत्तीसगढ़ को विकसित करना पड़ेगा। पूरे देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 32,000 करोड़ से ज़्यादा का सौगात दिया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सौभाग्यशाली है कि आज उन्होंने आईआईटी भिलाई को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका बहुत आभारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आईआईटी भिलाई की खासियत, थर्ड जनरेशन आईआईटी डिपार्टमेंट डिसिप्लिन प्रोग्राम, यहाँ छोटे कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस। आईआईटी भिलाई में 2,500 छात्रों की क्षमता, वर्तमान में 700 छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे। निर्माण के लिए 1,090 करोड़ स्वीकृत, 889.22 करोड़ की लागत से बिल्डिंग निर्माण, लेक्चर हॉल, सेमिनार रूम, क्लासरूम बनाए गए। 2023 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया गया। भिलाई आईआईटी में साल 2023 के अक्टूबर से छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले रायपुर के सेज बहार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईआईटी चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
कोटा शहर यानी शिक्षा की नगरी, हर कोई कोटा को जानता है। देश भर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अब पढ़ाई पढ़ाई नहीं रही, अब ये तनाव बन गई है। इस तनाव ने न जाने कितने बच्चों की जान ले ली। एक बार फिर नाकामयाबी से निराश एक छात्र ने अपनी जान दे दी। पिछले कई दिनों से लापता एमपी के छात्र का शव मिल चुका है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घने जंगल में पेड़ों के बीच लटका हुआ रचित का शव मिला। युवक का शव पेड़ और चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। शव को निकालने में 3 घंटे का वक्त लग गया। शव मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ तो अब देखिए ना, आप बच्चा वहीं मिला है, अगर पहले ही उसे खोज लेते तो आज कितने दिन हो गए, 9 दिन हो गए। आरोप दिख रहे ना, सामने दिख रहे ना, सब कुछ दिख रहा है ना, अगर सही से जांच हो जाती तो मिल नहीं जाता पहले। रचित मूल रूप से राजगढ़ का रहने वाला था, कोटा में रहकर JEE की तैयारी कर रहा था। 9 दिन पहले रचित अचानक से लापता हुआ, जिसके बाद उसका शव गडरिया महादेव के जंगल में मिला। छात्र का बैग, चप्पल, रस्सी, चाकू गडरिया महादेव मंदिर के आसपास मिले थे, जिसके बाद कोटा की जवाहर नगर पुलिस छात्र की तलाश कर रही थी। बाजार वाला या बाहर वाला होता तो नदी के किनारे उतर तक। 9 दिन हो गए हमें ढूंढते ढूंढते, पूरे एरिया वाले ने पता है कि ये लोग परेशान हैं, लेकिन कोई मदद ही नहीं मिली हमें। आज तो डायरेक्ट मनी कर दी। क्या कहा आपको पुलिस ने? ये कहा मेरे हमारी कोई रिक्स नहीं है, मैं किसी की रिक्स नहीं ले सकता, तुम्हारी भी रिक्स नहीं लेता। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला पीयूष 13 फरवरी से लापता है। पीयूष पिछले 2 साल से इंदिरा विहार के एक हॉस्टल में रहकर JEE की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। शिक्षा की नगरी कोटा लगातार छात्रों के लिए दबाव का शहर बनती जा रही है, जिसका नतीजा आत्महत्या के रूप में सामने आता है। पिछले 1.5 महीने में 6 से ज्यादा छात्र दबाव के चलते मौत को गले लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। विश्व हिंदू परिषद पर हिंदू समाज के साथ ही मुस्लिम समाज को भी भरोसा है, और इसकी बानगी देखने को मिली रायपुर के VHP प्रदेश मुख्यालय में। रायपुर के पंडरी में विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश मुख्यालय, इसके परिसर में साल 2003 से अस्पताल चल रहा है, जहां हर समुदाय और धर्म के लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस अस्पताल में मुस्लिम लोग ज्यादा संख्या में इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल के मुताबिक इलाज के लिए हर दिन 120 से 150 मरीज पहुंचते हैं। संस्था का कहना है कि इलाज कराने वालों में लगभग 60% तक मुसलमानों की आबादी है। कभी 100, कभी 150, कभी 120 होते हैं, और यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मुस्लिम लोग यहाँ 60% अरे ज़्यादा ही उनके थोड़ा सा मने उनका वो रहता है, लाभ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मुस्लिम लोग भी लाभ लेते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा और मानव सेवा का उद्देश्य को लेकर के विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश भर में काम करता है। उसी परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, और वो हॉस्पिटल समस्त जनमानस की सेवा के लिए काम करता है। और सेवा करते हैं जब हम, धर्म नहीं देखते, संपूर्ण धर्म के लोगों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। वहीं इलाज के लिए BHP के अस्पताल पहुँचे अब्दुल जब्बार ने बताया कि अस्पताल में बेहतर इलाज के साथ निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। बेहतर सुविधाओं और सेवा भाव को देखते हुए हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं। अभी हम लोग आए थे हड्डी का चेकअप कराने के लिए। हाँ। तो सुविधा सही है। हाँ। और अच्छा इलाज होता है, अपने सुने हैं। हाँ। तो आज आए थे हम लोग। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद अपनी उग्र हिंदू राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अस्पताल में इस उग्र राजनीति से इतर समर्पण और सेवा का भाव देखने को मिला। विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही है, जिसमें 51 देशों की नौसेनाएं शामिल हैं। 27 फरवरी तक ये सैन्य अभ्यास चलेगा।
खजुराहो में डांस फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नगाड़ा बजाकर डांस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। पहले दिन 1400 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कार्यक्रम का आयोजन 26 फरवरी तक होगा। पचासवें खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को नगाड़ा बजाकर किया। उसके बाद कथक नृत्य में घुंघरुओं की गूंज शुरू हो गई। खजुराहो मंदिरों के बीच खूबसूरत रोशनी में सजे कथक के इस महाकुंभ में 1500 से अधिक कथक कलाकारों ने प्रस्तुति देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कथक का ये आयोजन इतिहास बनेगा। संस्कृति मंत्रालय ने सच में आज आपके सबके माध्यम से भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका लहरा करके दुनिया के अंदर वो बुलंदी के साथ बात की है। ये इबारत वर्षों तक लोगों के लिए पाथेय बनेगी, आनंद का विषय बनेगी। जिस तरह से ग्वालियर में तबला वादकों की प्रस्तुति हुई, उसी तरह यहाँ नृत्य प्रस्तुति की गूंज ने इतिहास बनाया है। नृत्य एक शिव की आराधना है जिसका मार्ग परमात्मा से जुड़ा है। भारतीय संस्कृति के इस संगम को और यादगार बनाने के लिए घोषणा की कि यहाँ गुरुकुल बनाया जाएगा जिससे नृत्य संगीत समेत अन्य लोक कलाओं की शिक्षा बेहतर रूप से मिल सके। वस्त्रों में भगवा झलक जो दिखाई दे रही है ये भगवान महाकाल तक पहुंचा रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का महापर्व चल रहा है, सच में ऐसा लग रहा है कि जब खजुराहो के हमारे देवालय जो उत्तंग शिखर आकाश से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात आकर के आज आपके नृत्य का आनंद ले रहे होंगे, उसमें साक्षी बन रहे हैं। 15,000 कलाकार शामिल हो रहे हैं जिसका सीएम ने जमकर बखान किया और इस आयोजन को ऐतिहासिक करार दिया। नरेंद्र परमार, न्यूज 18, छतरपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।